बार लगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड स्वागत है मेरे सभी व्लॉग में। तो आज ट्रिप में जाने की तैयारी हो चुके है। देखो अभी हम सुबह के बजे है 6:30 बज चुके हैं, तो अभी लेट हो चुका है। तो अभी हम फटाफट से जाएंगे बस स्टेशन है, तो वहाँ जाकर मिलेंगे शैलेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नीचे जाना है, तो नीचे जाके अभी हमें निकलना है, तो वीडियो में बने रहे। तो देखो ये तो रेडी हो चुके हैं, देखो किट विट डाल के। तो अभी 2 किट हुआ है, 1 पर्स हुआ है, तो अभी नीचे चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, सीधावा 2 रोटली थई गई से फर्स्ट क्लास, आ मरचा से ने की से ચોપડાઈ રહ્યું છે અને બસ એ રોટલી કરે છે અવર હો હું કવચ છું તો નોતા કરવાની પણ હું કામ પેલો બધો ન્યાથી પાલતા ચાલો વેઇટિંગ કરી રહ્યા છીએ અમદાવાદ વાળી બસ ને, બરોબર છે, ગામમાં પહોંચ્યા છે, ચોકમાં તો કોઈ છે નહીં, બસ વેઇટ કરી રહ્યા છીએ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धंधु का, और यहाँ पर होल्ड किया है। तो अभी सूरज उदय सामने आ रही है इसलिए दिखा नहीं पा रही हूँ, तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो अभी दाढ़ी भी डग 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 हो रही है मेरी, तो ऐसा है, ठंड बहुत ज़्यादा है और इसे तो लग ही नहीं रही है, देखो, क्योंकि उसे उसका मसाला मिल गया। धंधु का पहुंचे हैं और अब अहमदाबाद 100 किलोमीटर है, 7 बजे निकले थे, अभी 9:30 बजने वाले हैं, तो अभी अभी 2 घंटे का रास्ता है, अभी 2 घंटे निकालनी है बस में। बाप रे, अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने एक बार पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, सूरत जा रहे थे ना, तभी हमने यहाँ होल्ड किया था, यही होटल है ये, मैं आपको बैक कैमरे दिखाती हूँ, ये वही होटल है जहाँ हम सूरत जा रहे थे ना, तब यहाँ से भी हमने कुछ खरीदा था। तो ऊपर थे ना, बताओ। तो अभी देखो यहाँ हम खड़े थे, हम बैठे भी, नाश्ता भी किया था। ઠંડી નહીં પણ ઠંડો પવન, એમ પવન વધારે છે, એમ તડકો જેવો તેવો નીકળ્યો છે પણ થોડો ઠંડો પવન છે, એના કારણે ઠંડી વધારવાય છે, એમ નક 9 વાગ્યા એટલી બધી હોય નહીં, 9:30 નો થાવ આવ્યો। અમારી સલામત સવારી છે, કેમ કે પ્રાઇવેટ કોઈ બસ અમારે ત્યાંથી ચાલતી નથી, એટલે અમારે આ ગારીયાધાર કૃષ્ણનગર છે જે અમારા ગામમાંથી નીકળે છે, બરોબર છે, તો એ બસમાં અમે આવ્યા છીએ, રિઝર્વેશન કાલ કરે નાખ્યું હતું, અને આ પહેલો હોલ્ડ આવ્યો છે, ગારીયાધાર નહીં પણ સણોસરા ત્યાં મેં બેઠા ને, પછી તો આ પહેલો હોલ્ડ છે, હવે ડાયરેક્ટ મને લાગે અમદાવાદ આપણે વાગે જ જશું, એમ બરોબર છે, 11:30 નો ટાઈમ બતાવે છે, એમ ફ્રેન્ડ। તો હવે અમે અમદાવાદ પહોંચી ગયા છીએ, બરોબર છે, અને હવે જે અમારે જેના ઘરે જવાનું છે બહેનના ઘરે, તો એ અહીંથી થોડુંક દૂર છે, શિવરંજને ઉતર્યા છીએ, તો અહીંથી હવે વાહન જે પ્રમાણે કીધું છે એ પ્રમાણે લેવાનું છે, બરાબર છે, તો સારું ચાલો આગળ મળીએ અને બતાવું તમને હાલો નજારો અહીંનો। चलो फ्रेंड्स, अभी हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं एंड अभी सिटी बस में बैठ गए हैं, क्योंकि अभी यहां से बहुत दूर है, अभी आधी 20 मिनट का रास्ता, आधा घंटा जितना टाइम लग जाएगा अभी वहां पहुंचने में, तो अभी हम सिटी बस में, सनोसरा से निकले थे ना, तो बस स्टैंड में हमको उतर दिया था, वहाँ पर से रिक्शा वालों ने 200-300 रुपये बोल रहे थे, तो हमने कुछ लोग ने बोला कि सिटी बस में चले जाओ, तो सिटी बस में 15 रुपये ले गए हम, मतलब रानीप, तो
इसकी दूसरे की सलाह के वजह से इधर आ गए हैं। अभी हम सिटी बस में बैठ चुके हैं। हम पहली बार आए हैं। अभी पता नहीं है, हमारे रिलेटिव है यानी कि मेरी ननंद वो है, तो वो बोल रहे हम लेने के लिए आए। हमने कहा नहीं, हम चल आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो अभी हम दोनों निकले हैं नीचा वहाँ जाने के लिए। अभी पहुँचेंगे कब वो तो पता नहीं, वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि हम सही ठिकाने पर पहुँचे हैं कि नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू बताती हूँ कैसा है, देखो। तो अभी ભાઈ નો ઓટો મળી ગયો છે 70 રૂપિયામાં, 3-4 કિલોમીટર રહ્યું છે સ્પેશિયલ, હવે ડાયરેક્ટ ઠેકાણે લઈ મેં પહોંચી ગયા છીએ। હવે ઉપર જઈ અને પછી મળીએ, ઠેકાણે પડી જાય પછી। ઠેકાણે પહોંચી ગયા છીએ અને મિહાનભાઈ આરામ કરે છે, બરાબર છે, પહોંચી ગયા છે ઠેકાણે। સારું, હાલો તો આજનો વિડીયો છે અહીં સુધી રાખવી, અમે જમી કાઢી કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છીએ। અમે હવે છે નેક્સ્ટ વિડીયો છે એ અમે ત્યાં શતાબ્દી મહોત્સવમાં જઈએ છીએ અને ત્યાંથી હવે આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ, બાય। વિડીયો તમને સારો લાગ્યો તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।